हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जिस पे पहले था OBS से मैं कर रहा था, लेकिन अभी उससे लाइव नहीं हो पाया हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे लाइव उस पे, अपना मोबाइल से ही लाइव कर पा रहा हूँ मैं उस पे, आप देखिए प्लीज़। जी वेलकम। एक टेक्निकल रीज़न आ गया, हो गया था, और मैं लाइव कर रहा था इससे अपना OBS, लेकिन OBS से मुझे नहीं समझ आया कि कैसे करें, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो दूसरा, लेकिन मैं सॉरी फील करता हूँ उसको, मैंने पहले सेटअप करके रखा लेकिन नहीं हो पाया। जी हाँ, कैसे हैं? गुड इवनिंग सभी को। हेलो जी, फाइन, आप सुनाइए कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले थे, अभी जो मैं इस सेशन में, बुक्स के बारे में। तो जो कुछ नई बुक्स हैं और सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में, जिनके बारे में अभी बात करेंगे। मैंने एक लिस्ट अब निकाली है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा जिन्होंने मुझे, दो व्यूवर्स ने, मेरे मित्रों ने मुझे सुपर चैट किया, उनको उनका थैंक्स। एक तो राज शेरगिल हैं, राज शेरगिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे राहुल पोल हैं, उन्होंने मुझे सुपर चैट किया था, मैं पहले उनका नाम नहीं देख पाया था। तो आपको अभी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुपर चैट दिया, थैंक यू। तो अभी हम जो बुक्स की, जिनकी बात करने वाले थे, उनकी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेकिन OBS ठीक से नहीं चलने की वजह से मैं वो प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखा पाऊँगा। नमस्कार जी, मुकुल सिंह जी, नमस्कार जी। कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे सीख पाएंगे। तो आज हम, गुड इवनिंग जी वात सिंह, गुड इवनिंग अशोक तोमर जी, बुक बताओ जी। अभी तो सेल्फ हेल्प के, आज हमने जो कैटेगरी चूज करी है उसका, सेल्फ हेल्प कैटेगरी में से जो बुक्स हैं उनको हमने चूज किया है, उनमें सबसे पहली बुक है मैनुअल फॉर लिविंग बाय एपिक्टस। एपिक्टस एक राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी है मैनुअल फॉर लिविंग, मैनुअल फॉर लिविंग, 53 जोशी जी, 20 रुपये उन्होंने सुपर चैट किया है, थैंक यू थैंक यू। तो पहली बुक है वो है मैनुअल फॉर लिविंग, शायद आपने नाम सुना भी होगा पहले, और कुछ लोग पढ़ भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे। तो इसमें जो चीज़ बताई गई है, मैंने कुछ चीज़ें नोट करी है। हाँ विनोद जी, ये नाम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैनुअल फॉर लिविंग जो बुक है, उसमें कुछ चीजें हमारी शक्ति, उसमें बताया गया है राइटर ने, उसमें बताया कि कुछ चीजें हमारी शक्ति में नहीं होती, हमारी पावर में नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि लाइफ में जो हम काम करते हैं, जो पावर्स, जो चीजें हमें चाहिए, तो जो चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं या हमें नहीं मिलनी है, उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, हम उनके लिए भी पीछे, उनके पीछे भी भागते रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिन्हों अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जो बस में नहीं होती है और उनकी आवश्यकता भी नहीं होती है। तो उनके बारे में इस बुक में बताया है कि हमें किन चीज़ों पर काम करना चाहिए और किन चीज़ों के बारे में हमें किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। मैनुअल फॉर लिविंग जी बाय एपिक्टेस, वो राइटर है, उन्होंने लिखी है ये बुक। और इसमें एक अमित कुशवाहा जी, थैंक यू, सुपर चैट उन्होंने किया है 20 रुपये, थैंक यू। एक पुस्तक, इसमें एक चीज ये भी बताई गई है कि हम कैसे, जो बहुत सारे लोग हैं वो घटनाओं पर ज्यादा
रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते कि घटनाओं से हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, हमारी सोच पर क्या असर होता है और हमारे काम पर क्या असर होता है। तो इस बारे में ये बुक जो क्लियर करती है कि मैनुअल फॉर लिविंग है पहली जो बुक है, और बहुत अच्छी बुक है इस बारे में, जो हमें उन थिंग्स के बारे में, उन चीजों के बारे में बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इसे, हमें बहुत अच्छी तरह इसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, दूसरी जो बुक है, दूसरी किताब, द प्रैक्टिसिंग माइंड, शुभम, थैंक यू शुभम, 40 रुपीज उन्होंने अपना सुपर चैट किया है, थैंक यू शुभम। तो अभी ये सुपर चैट बढ़कर 80 रुपीज हो चुके हैं, थैंक्स थैंक्स हेलो। द प्रैक्टिसिंग माइंड दूसरी जो बुक है अपनी, मैं जो शायद आवाज तो सुनाई दे रही होगी, द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टेरनर, थॉमस एम स्टेरनर, इनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप उनको देख सकते हैं। इस किताब में बताया कि हमारे पूरे जीवन में हर काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन के सभी काम एक दूसरे काम से जुड़े हुए होते हैं, तो लेकिन कुछ काम निष्क्रिय हैं और कुछ काम सक्रिय होते हैं। तो हम सक्रिय, हमें करना क्या होता है कि जो निष्क्रिय काम होते हैं उन्हें छोड़कर जो सक्रिय काम होते हैं जिनसे हमारे लाइफ में फर्क पड़ता है, उन कामों को करना चाहिए और उन्हें सीखना चाहिए और ज्यादा उन्हीं को करना चाहिए। इस बारे में इस बुक में बताया गया कि हम कौन से हमारे काम सक्रिय होते हैं और कौन से निष्क्रिय होते हैं। एक चीज और इसमें कहा गया है, जो द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक है उसमें राइटर ने बताया है कि हम कभी भी परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें जो सक्रिय काम है उनको करते हुए उन कामों को परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम लाइफ में हमें जो करना है वो ही करें, दूसरा कुछ ना करें। लेकिन कंफ्यूजन रहता है, हम इस चीज को समझ नहीं पाते कि क्या चीज हम करें और क्या ना करें। तो ये जो बुक है द प्रैक्टिसिंग माइंड, इस पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए। और सेल्फ हेल्प के कैटेगरी की ये जो बुक्स है उनका मैं बात कर रहा हूँ, उनके बारे में आज हम केवल सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बात ही बुक्स के बारे में ही बात करेंगे। तो पहली जो बुक थी, आप मुझे बता सकते हैं पहली कौन सी बुक है अपने मैसेज के द्वारा? अभी मैं वेट कर रहा हूँ कोई मैसेज आए कि पहली जो बुक है वो हमने कौन सी अभी उसको जिक्र किया, उसको उसके बारे में बात करी। मैं बता देता हूँ, पहली जो बुक है वो मैनुअल फॉर लिविंग है बाय एपिक्टस, एपिक्टस एक राइटर है उनके बारे में। जी, प्रवीण गुप्ता जी ने लिखा है मैनुअल फॉर लिविंग। जी हाँ, बहुत बढ़िया, यही बुक है, तो थैंक यू। दूसरी बुक है द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टेरनर, जिसमें हमें सक्रिय और निष्क्रिय बुक्स के कामों के बारे में हमें बताया गया है, हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। लेकिन गलती क्या होती है कि हमें इस चीज की पहचान नहीं होने की बजाय, हमें इस चीज की पहचान नहीं होने की वजह से हम कुछ ऐसे काम करते रहते हैं लाइफ में जो हमारे लाइफ में कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं करते। हमारा फ्यूचर, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट में हम जो काम करते हैं वही फ्यूचर है, उसका जो रिजल्ट है वही फ्यूचर होता है। तो अगर हम निष्क्रिय कार्य करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो फ्यूचर भी निष्क्रिय रहेगा। और अगर अपनी लाइफ में जो क्रिएटिव जो काम है, जो लाइफ को बनाते हैं, जो हमारा फ्यूचर बनाएंगे, वो अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। और संतोष नायर जी बिल्कुल इस बारे में बताते हैं कि हमें वही काम करने चाहिए जो हमारे फ्यूचर को क्रिएट करें। फ्यूचर कुछ नहीं है, प्रेजेंट में किए गए कामों का रिजल्ट है। हमने जो पहले काम किए थे, आज की हमारी जो कंडीशन है, आज हम जिस भी स्टेज में हैं, जितना भी हमारे पास है,
जो भी हम चीजें फेस कर रहे हैं, जो भी हम जिनको अपने हम फील कर रहे हैं, वो सभी चीजें, वो सभी काम, वो सभी कंडीशंस हमारे प्रेजेंट में, जो पास्ट में किए गए कामों का रिजल्ट है, पास्ट में किए गए कामों का फ्यूचर है वो। तो आज हम जो भी काम करेंगे, लेकिन उनको हम इस बुक के माध्यम से, द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक के माध्यम से, उन कामों को हम ढूंढ सकते हैं जो हमें करने चाहिए। तो पहली बुक थी मैनुअल फॉर लिविंग और दूसरी बुक है द प्रैक्टिसिंग माइंड। अभी हम थर्ड बुक की तरफ चलते हैं। तीसरी जो सबसे बढ़िया बुक है सेल्फ हेल्प कैटेगरी की, सेल्फ हेल्प के लिए हमें जो पढ़नी चाहिए, जिसे सुनना चाहिए, वो है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी बाय रोजामुंड जेंडर एंड बेंजामिन जेंडर। जेंडर, ये थोड़े इंग्लिश के नाम मैं शायद सही नहीं ले पा रहा हूँ, या आप समझ रहे होंगे। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी बाय रोजामंड जेंडर एंड बेंजामिन जेंडर के द्वारा, ये दोनों को के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो बताया गया है, अतुल शेलकर, बाय थिंकिंग फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज फॉर, आपने सुपर चैट किया है, थैंक यू, थैंक्स। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, इसमें क्या है कि जीवन एक इन्वेंशन है, जीवन जो हमारी लाइफ है वो एक इन्वेंशन, एक आविष्कार है, और उसमें जो भी हम करते हैं वो हमारे लिए आविष्कार की तरह है। हम चीजों को ढूंढते हैं, कामों को ढूंढते हैं, अपने फ्यूचर को उसमें प्रेजेंट में काम करके हम क्रिएट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं उनका। तो जब भी हम अपने जीवन को नए तरीके से देखने लगते हैं, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी में बताया है कि जब भी हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को नए तरीके से जब देखने लगते हैं ना, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। और हमें अपने लाइफ को कैसे नए तरीके से देखना है, ये इस बुक में अच्छी तरह से बताया गया है कि हम अपनी लाइफ को कैसे नए तरीके से देख सकते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ को नए तरीके से देखना शुरू करते हैं, तो समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो गायब हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आप किसी दूसरे के द्वारा अपनी व्याख्या सुनने की बजाय, और फ्यूचर बनाने, बिजनेस बनाने, सेल्फ हेल्प करने, सेल्फ हेल्प मीन्स हम अपने आप में डेवलपमेंट करने, अपने आप को अच्छी आदतें लेके आने, अच्छी स्किल्स सीखने में, लोगों के द्वारा जो हमारा रेट किया जाता है, लोगों के द्वारा जो हमें रेटिंग दी जाती है, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उस पे ध्यान देने की बजाय हमें अपने आसपास, अपनी जो हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स हैं, उनको डेवलप करना चाहिए। और अपना जो काम, जो हमारा इनिशियल जो काम है, जो हमें करना चाहिए, फालतू की बातों पर ध्यान देने के बजाय उसे सबसे ज्यादा करना चाहिए। जैसे जो द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक में भी ये बताया गया है कि हमें सक्रिय काम करने चाहिए, इसी तरह द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी में भी यही कहा गया है कि हमें दूसरों की रेटिंग का ध्यान नहीं देना चाहिए, अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। और जो सबसे जरूरी काम है, जो सबसे कोर हमारा काम होता है, उसको हमें करना चाहिए मैक्सिमम, सबसे ज्यादा करेंगे तो हमारा फ्यूचर हमारा बढ़िया होगा, हमारा बिजनेस अच्छा होगा, हम हेल्दी वेल्दी रहेंगे और समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उल्टे सीधे झमेलों में फंसे रहेंगे, लोगों के द्वारा, लोगों ने कहा कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, आप लाइव नहीं कर सकते, लाइव के लिए आपको ये चीजें चाहिए, आपको लाइटिंग अच्छी चाहिए, आपको लोकेशन बहुत बढ़िया चाहिए, ठीक है, सब चीजें अपनी जगह चाहिए, लेकिन क्या उनकी वजह से हम अपना काम ना करें, उन चीजों को दिमाग में रखकर अपना काम ना करें हम, ये अच्छी बात नहीं है। तो यही इसमें बताया गया है, द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो तीन बुक की हमने बात करी जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी की सबसे अच्छी पुस्तकें हैं।
सबसे पहली है मैनुअल फॉर लिविंग, दूसरी है द प्रैक्टिसिंग माइंड, और तीसरी है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। राम मोहन राव जी, थैंक यू, आपने सुपर चैट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी इस छोटी सी एक भेंट से मोटिवेशन भी मिलता है, और मुझे लगता है कि मैं भी कुछ ज़्यादा या कोई भी क्रिएटर है वो अच्छा काम कर पाएगा, तो आप जैसे भाई जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, और सभी को जो अच्छा काम करते हैं उन सभी को सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए। थैंक यू। और आप सोच रहे होंगे कि जब भी कोई सुपर चैट आती है तो इतनी एक्साइटमेंट, और उसको तुरंत से, हाँ एक्साइटमेंट आती है ना, क्यों नहीं आती, पैसे से एक्साइटमेंट बिल्कुल आती है। उसमें ये मायने नहीं रखता कि कितना है, कम है ज़्यादा है जो भी है, लेकिन एक एक प्यार है जो मेरे जो दोस्त लोग हैं वो जुड़े हुए हैं उनका। अभी एक सुपर चैट हो रहा है, मैं उनका मैसेज देख नहीं पाया जी, थैंक यू। तो तीसरी बुक है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। आप इन तीनों बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इनका हिंदी में ट्रांसलेट करके और इनका वीडियो बनाएं। अगली जो बुक है, तीन बुक हमने बात कर ली, मैनुअल फॉर लिविंग, द प्रैक्टिसिंग माइंड और द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। अगली जो चौथी बुक है वो है द 10x रूल्स। इसके बारे में मुझे कई कमेंट्स भी आते हैं, कई आप दोस्तों के मैसेज भी आते हैं कि द 10x रूल्स की ऑडियो बुक बनाइए। तो सच में आज मैंने इसके बारे में पढ़ा है, वामू सुनार फ्रॉम नेपाल, थैंक यू, वेलकम वेलकम फ्रॉम नेपाल। तो यह जो बुक है वो क्या कहती है, द 10x रूल, और 10x रूल को लिखा है ग्रांट कार्डन ने लिखा है इस बुक को, द 10x रूल को। इसमें बताया है कि अपने गोल हमें अपने गोल्स वो बनाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए जो हमें लगता है कि हमारी जो पहुंच है, हमारी जो उसको उस गोल को पाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। भारत सिंह, थैंक यू, वेलकम, आपने सुपर चैट किया, थैंक्स भारत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी काम करने की संभावना, हमने जो गोल सेट किया है उसको पाने का, उसको सक्सेस तक, उसकी सक्सेस तक पहुंचने का जो हमारी ताकत है, उससे कम से कम, हमें लगता है कि इतनी ताकत है, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा गोल हमें डिसाइड करना चाहिए, हमें पाना चाहिए, उस गोल को बनाना चाहिए। पसीना आ गया, मैं एक बार पसीना पोंछ लेता हूं क्योंकि ये पोंछना पड़ेगा, गर्मी बहुत है और अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है। हमारी कैपेसिटी से 10 गुना बड़ा गोल बनाना चाहिए, द 10x रूल यही कहती है, इस बुक में लेखक यही कह रहे हैं। दूसरी बात, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए, भूपेंद्र शर्मा जी, थैंक यू फॉर सुपर चैट, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए उन कार्यों को चुनना चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए उन कामों को चुनना चाहिए जो अपने विश्वास से 10 गुना बड़े हों। मतलब हमें लगता है कि मैं इस काम को 6 महीने में कर दूंगा, कोई अगर हमने गोल सेट किया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उससे 10 गुना कम टाइम लेने की, 10 गुना ज्यादा बड़ा गोल बनाने की। रहमत ए शेरिन फ्रॉम पाकिस्तान, वेलकम वेलकम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कल इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस डे था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, कल आपका जो
इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का, उनको भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए जी। आगे द 10x रूल बुक में लिखते हैं लेखक राइटर जो बताते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में कोई बड़ा गोल नहीं बनाते हैं, उसकी वजह से नॉर्मल रिजल्ट्स रहते हैं लाइफ में, नॉर्मल काम वो करते हैं लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें अपने कैपेसिटी से 10 गुना बड़ा, कम से कम 10 गुना बड़ा गोल तो बनाना ही चाहिए। और बहुत सारे लोग गोल निर्धारित नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ी मतलब बहुत बार मैंने देखा है। मैं अपना ही अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो बहुत सारे मैं भी कोई गोल बनाने में बड़ा कुछ भी मुझे अचीव करना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो उसके लिए सोच विचार बहुत ज़्यादा चलता रहता है, सोचते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उस गोल को हम लिखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर एक दिन आता है जब हमारी जो सोचने की जो पावर है वो अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि उस दिन हम लिख लेते हैं, उसको डिसाइड करते हैं और उस पर काम करने लगते हैं, तो उस पे हमें जीत भी मिलती है, हम सक्सेस होते हैं, हम उस गोल को पा लेते हैं। अगर आप भी अगर पीछे अपने लाइफ में कोई ऐसा जैसे हम कोई भी बड़ा गोल आपने फिक्स कर लिया तो अपने आप से एनर्जी आने लगती है, अपने आप से हमारे पास उस काम को करने की एनर्जी अपने आप आ जाती है, हम 10 गुना क्या 10 से ज़्यादा गुना वो काम एनर्जी आ जाती है, तो हम उस काम को आसानी से कर भी देते हैं, लोग चाहे जो कहें लेकिन उस काम को अचीव कर लेते हैं। लेकिन डिसाइड करने के बाद हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों को पता नहीं क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, तो तब उसमें ढिलाई आ जाती है, तो वो एक निष्क्रिय कामों में हम उलझ के रह जाते हैं। फिर द 10x रूल में आगे जो राइटर है वो कहते हैं कि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें बड़े पैमाने पर यानी पोटेंशियल से 10 गुना ज्यादा कार्य करना चाहिए। वही हमने पहले बात करी कि किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने पोटेंशियल, अपनी ताकत, अपने दम से 10 गुना ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन इन चीजों को पाने के लिए हमें कैसे 10x रूल को हम अपने गोल्स में, अपने कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं 10x रूल को, वो हमें इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। द 10x रूल में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि हम अपनी पॉसिबिलिटी को 10 टाइम 20 टाइम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई है चौथी किताब, चौथी बुक, जिसमें हमने सबसे पहले जो बुक की थी जिसके बारे में जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी की जो बुक है और स्पेसिफिक सेल्फ हेल्प कैटेगरी की ये बुक्स हैं, इनको मैंने 3 4 5 6 जो ब्लॉग्स हैं, जो राइटर्स हैं उनकी जो उन्होंने रिकमेंड करी है उन बुक्स को मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो इसमें सबसे पहली जो बुक है वो है मैनुअल फॉर लिविंग, दूसरी जो बुक है द प्रैक्टिसिंग माइंड, द प्रैक्टिसिंग माइंड, और तीसरी जो बुक है वो है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, चौथी जो बुक है वो है द 10x रूल्स। तो हम अभी अगली किताब की बात करते हैं। आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, थैंक यू कुमार, अभी आपसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो अभी हमारी 4 बुक्स हो गई हैं, बाकी बुक्स के बारे में अभी आपसे बात करने के बाद बात करते हैं। अभी कुमार, अच्छा, हर्षवर्धन वैद्य जी लिखते हैं टाइम मैनेजमेंट बुक के बारे में। जी हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है चैनल में, और आपने हमें अपने सजेशंस लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनको हम कोशिश करते हैं पूरा करने के लिए। सुपर चैट क्या है जी, ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, ओम प्रकाश मेघवंशी जी पूछ रहे हैं कि सुपर चैट क्या है। सुपर चैट हमें जब अपना चैनल मोनेटाइज होता है, और मोनेटाइज होने के बाद एक जब जैसे आप लोग सभी चैट कर रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो उस चैट में एक सुपर चैट नाम से एक फीचर होता है जिसके द्वारा कोई भी डोनेट कर सकता है, कोई भी अपना अपनी तरफ से जो कैश देना चाहते हैं वो क्रिएटर को डायरेक्ट उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो
तो सुपर चैट उसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ क्या बोलते हैं उनको, कुछ आइकॉन्स और वो होते हैं, उनको परचेज करना पड़ता है गूगल से, परचेज करके और वो क्रिएटर को वो ट्रांसफर करते हैं, तो वो पेमेंट पैसे के द्वारा, पैसे के रूप में वो दिखता है, तो एक मोटिवेशन होता है। और जो वीडियो बना रहा है, जो कुछ मेहनत कर रहा है, जो क्रिएटर है, उसको लगता है कि हाँ मेरे काम की कुछ तो वैल्यू है। तो इसमें भी ऐसी बात नहीं है कि पैसे में वैल्यू देखी जाती है, लेकिन एक अलग से, एक जैसे हम आइसक्रीम लेते हैं, तो आइसक्रीम के ऊपर जो टॉपिंग क्या बोलते हैं उसको, जो उस पे चेरी और ये लगा के देते हैं, तो एक उस टाइप का एक अच्छा फील होता है, तो बढ़िया लगता है। और ये जो सुनने वाले हैं, जो दोस्त हैं, उनका एक प्यार दर्शाने का एक तरीका है, तो इसी को सुपर चैट नाम दिया है यूट्यूब ने, एक फीचर है यूट्यूब का ये, तो आप भी यूज करके देखिए। अगली जो बुक है, जी हाँ, श्री श्री देश पांडे जी ने चारों बुक्स की जो लिस्ट है उसको मैसेज किया है। जी श्री देश पांडे जी, थैंक यू, आपने ये अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर किसी को ध्यान भी नहीं रहता तो वो मैसेज भी देख सकते हैं और मैसेज देख के उसको रिमाइंड कर सकते हैं। सर मैंने बुक भेजी थी, मिल गई? हाँ देव टपरवाल जी, आपकी बुक्स मिल गई है आपने, थैंक यू आपका, आपने मुझे बुक भेजी, उसमें कुलदीप माकड़ जी, ये मेरे अंकल जी हैं जिन्होंने मुझे रेड रोज भेजे हैं, थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू अंकल, और शायद ये अकेले नहीं है, मेरे भजन लाल अंकल जी वो भी बैठे होंगे इनके साथ, तो थैंक्स सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू। अभी हम हाँ वो बुक्स जो मुझे भेजी है टपरवाल जी ने, उसके बारे में मैं बता रहा था, बुक्स आपने भेजी इसके लिए थैंक्स, लेकिन इसमें एक छोटी सी ना मुझे ये, मैंने जब उसको पढ़ा तो वो जैसे हम गूगल का जो ट्रांसलेटर है उससे जैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो उसी टाइप में वो ट्रांसलेट है, तो उसमें थोड़ा हिंदी में थोड़ी सी अगर कोई नहीं समझ पाता तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको सिंपल हिंदी कह सकते हैं, या जैसे एज इट इज है वो, कुछ दो तीन बुक्स मैंने देखी उसमें तो, लेकिन आपने भेजी, थैंक यू, उससे भी बहुत अच्छा और बढ़िया काम है, आपने अच्छा काम किया, थैंक यू। और रजनीश पांडे जी, थैंक्स सर फॉर योर शेयरिंग योर विजडम, थैंक यू, बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू यू। हाँ मैं जो जो सेल्फ हेल्प अच्छी बुक्स है, और मुझे, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो बुक्स मुझे बड़ी मेरी जो फेवरेट बुक है, एक है डेल कार्नेगी साहब की लोक व्यवहार, और दूसरी जो बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। ये दोनों बुक्स मुझे, मैं मेरे द्वारा भी, मैंने जो रिकॉर्ड किए उनको भी मैं बार बार उसकी रिकॉर्डिंग को सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर बार उनमें कुछ ना कुछ, गोविंद वशिष्ठ जी उन्होंने लिखा है सर, कुछ आगे लिखने वाले थे जी, तो मेरे लाइफ की ये दो बुक मुझे, मैंने अभी तक सबसे ज्यादा उनको पढ़ा, उनको सुना, उनके बारे में देखा, उनके बारे में जो समरी जाती है मैं उनको भी पढ़ता हूँ। ओम प्रकाश मेघवंशी जी, थैंक यू सुपर चैट के लिए, जी आपने सुपर चैट किया और आपने इसे समझ भी लिया है कि इसको कैसे करना है, तो थैंक यू रजनीश पांडे, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर विजम, जी रजनीश जी। अच्छा धीरज मिश्रा जी, सर प्लीज लर्न, मैं नहीं पढ़ पाया धीरज जी, ओम प्रकाश में मैसेज भी ना कभी कभी नेटवर्क की वजह से मैं भी शायद कुछ रुक रुक के आ रहे हैं, जो अभी मैसेज में भी दोस्तों ने लिखे हैं, मैनुअल फॉर लिविंग, द प्रैक्टिसिंग माइंड, द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, द 10x रूल। अब हम पांचवी बुक की जो बात करते हैं, झारखंड की वाइन विन विंस, आई लव यू सर जी, थैंक यू, वेलकम। पांचवी जो बुक है वो है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो लेकिन
कोई बात नहीं, आप मुझे पता है कि आप समझ रहे हैं और आप समझ भी लेते हैं, इतनी शिकायत नहीं करते, तो वेलकम। कहाँ रहते हो सर? विमल शुक्ला जी पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो। जी मैं हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसका एक गांव है रिसालिया खेड़ा, मैं वहाँ पर रहता हूँ, वो मेरा घर है वहाँ पर, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। और जी स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस बाय डेन गिलबर्ट, डेन गिलबर्ट के द्वारा ये बुक लिखी गई है। हाँ एक मिनट पसीना भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आपसे बात करते हुए बड़ी ताकत लगती है। गौरव कुमार जी सर प्लीज मैन वोमेन एंड मनी सर पढ़िएगा। जी जरूर जरूर पढ़ेंगे। और भाई जी गोविंद वशिष्ठ जी कहते हैं भाई जी आपको एक बुक भेजना चाहता हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, और यह बुक का ड्राइव जी वेलकम, भेज दीजिए, आपका स्वागत है। तो अगली हम पांचवी बुक की जो बात कर रहे हैं वो है सेल्फ हेल्प कैटेगरी की, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस बाय डेन गिलबर्ट। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि इंसानों को फ्यूचर के बारे में सोचने की शक्ति जानवरों से अलग करती है। मतलब इंसानों को जो शक्ति जानवरों से जो अलग करती है वो फ्यूचर के बारे में सोचने की शक्ति है, सोचने की जो पावर है वो हमें जानवरों से अलग करती है इंसान को। सही बात है, लेकिन कैसे? वो इस बुक में डिटेल से बताया गया है कि कौन सी आदतें जो जानवरों वाली है वो इंसान गलती से बिना सोचे समझे पता नहीं होने की वजह से उनको दोहराता रहता है। तो कुछ कुछ वो कभी कभी जानवरों में भी जाके मिल जाता है, उनके जैसा ही हो जाता है, फ्यूचर को नहीं सोच पाता वो। लेकिन हमारे दिमाग एक तरह की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। अच्छा इसमें कहा कि हमारे दिमाग में ना एक तरह की बीमारी होती है, वो क्या है कि भविष्य साबित कर देता है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं उनको हमारा दिमाग याद रखता है, मेमोराइज रखता है। और जब भी हम कोई गोल बनाते हैं, जब भी कोई सक्सेस के बारे में कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं ये करूँगा, मुझे ये इंटरव्यू देना है, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मुझे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या मुझे नया कोर्स करना है, नई स्किल सीखनी है, नया ट्यूटर हायर करना है, मुझे नई जगह शिफ्ट होना है, मुझे बड़े शहर में जाना है, ये चीज़ें सोचने हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। लेकिन दिमाग क्या करता है? दिमाग की एक बीमारी है या एक उसकी हैबिट है दिमाग की, वो क्या करता है? वो हमारे पास्ट के जो गलत एक्सपीरियंस है, हम कुछ काम हमने सोचा हम उस काम तक नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, लेकिन दिमाग उन कामों को आगे लेके आके रखता है। और हम फिर ये सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा पहले भी हो चुका है तो आगे पता नहीं कैसा होगा। तो इस एक बीमारी के बारे में स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस बुक में राइटर ने बताया है, जो अतीत की जो भूतकाल की यादें हैं उनकी वजह से हम भविष्य को डिले करते रहते हैं, भविष्य को खराब करते रहते हैं, भविष्य को छोड़ते रहते हैं। इन्हीं मेंटल एरर के कारण, इनको मेंटल एरर कहा है राइटर ने बुक में, इनको मेंटल एरर कहा है, इन्हीं मेंटल एरर के कारण हम भविष्य की योजनाओं के बारे में आशंकित रहते हैं, हम डरते रहते हैं पता नहीं क्या होगा। अभी मैं इसका रिसेंटली अभी का एग्जाम्पल है, मैंने अपना सेटअप किया सारा। भूपेंद्र शर्मा जी वेलकम टू बिगिनर, वेलकम वेलकम टू बिगिनर। जी भूपेंद्र शर्मा जी आपने मैसेज किया और आपने ये जो भी कह सकते हैं ये युवराज सिंह तोमर लिखते हैं हाउ टू कॉन्टेक्ट यू, आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और अभी तो मैंने रिसेंटली मुझे मेरे दिल्ली के एक फ्रेंड थे जो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना जो है ना ये इसको जो हैशटैग है और जो अपना चैनल है जो अपनी बातें हैं उसको
इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया करें अपने मोमेंट्स को। तो मैंने उसके बाद इंस्टाग्राम भी शुरू किया, तो हिंदी ऑडियो हैशटैग हिंदी ऑडियो बुक अगर आप लिखेंगे ना तो उसमें आप आ जाएगा, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, तो आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन करके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी सॉरी फॉर दैट। तो इसमें बुक में जो अपनी स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस है, इसमें बताया है कि इस पुस्तक में इन्हीं मेंटल एरर पर के विषय में बात की गई है, और उन मेंटल एरर्स को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे उनको हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हटाएंगे तभी जब हम पहचान सकें। अमित बढ़ाना जी, थैंक यू सर, थैंक सर, ओ वेलकम जी। अमित जी का बहुत बड़ा नाम, तो मैं तो आपको अमित बढ़ाना जी मान के ही आपका वेलकम स्वागत, और आपने किया मैसेज किया, मुझे तो इस नाम से ही खुशी हो गई और ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है जी, सभी से हो रही है, लेकिन ये एक बड़ा नाम है भाई, अमित बढ़ाना जी का बहुत बड़ा नाम है उनके। तो मैं देखता हूँ अपनी जो हीरो लोग हैं, जो बॉम्बे के जो बाशिंदे हैं, क्या कहें उनको, जो हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, वो अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए भी इनका इनका साथ लेते हैं, इनकी वो ज़रूरत महसूस करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है अमित बड़ाना जी का। तो ये जो बेस्ट 5 बुक्स जो मैंने बताई, जो हमने रिसर्च करी, आपने सभी ने सुना होगा, इन बुक्स के बारे में पढ़ा होगा बहुत सारी, लेकिन मैंने इनको इकट्ठा किया है, और ये स्पेसिफिक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सेल्फ हेल्प कैटेगरी में ही ये बुक्स को पढ़नी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें कैटेगरी का पता नहीं होता बुक्स का, कि किस कैटेगरी की ये बुक है और मुझे क्यों पढ़ना है। तो मुझे लगा आज जब हमने सुबह लाइव सेशन किया, तो उसमें मुझे लगा कि कुछ एक क्वेश्चन आए कि मुझे हेल्थ के लिए, और तो नहीं पता रहता, मुझे भी नहीं पता था सही में, आपका मैसेज आने के बाद ही मुझे पता लगा कि अच्छा इनकी कैटेगरी के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि नहीं पता रहता है, और हो सकता है आपको पता हो, बहुत सारे लोगों को पता रहता है, लेकिन लिटरली और मतलब रियली मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो सुबह मैसेज पढ़ के मुझे अच्छा लगा, मुझे पता लगा, और मैंने फिर ये आपको कहा भी 8 बजे हम मिलते हैं। तो सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में कल हम जो बात करने वाले हैं वो कल शाम 8 बजे। तो मुझे लगता है कि मैं OBS का और उनका सेटअप को छोड़ के सीधा, हाँ एक मिनट, कुलवंत माकड़ मेरे अंकल के लड़के हैं, जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा जोरदार जी, वेलकम वेलकम कुलवंत, आपने लिखा। तो आगे हम बिजनेस जो बुक्स हैं, बेस्ट बिजनेस जो बुक हैं, उनके बारे में कल हम बात करेंगे। तो आज हमने 5 बुक के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करी है, ज़्यादा की है ज़्यादा। हम नितिन त्यागी जी, हेलो सर, मैंने आपकी वॉइस में एज ए मैन थिंकर सुनी, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम जी। और संदीप महेश्वरी जी ने तो उस बुक को रिकमेंड किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये बुक और उनके बाद द्वारा बताया गया तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, तो संदीप महेश्वरी जी सर का भी थैंक यू, और आपने भी आपका भी थैंक्स। अबे अम्मा अभी रिकनेक्ट कर चुका है सर, बिहार अल्फा दमन सर, नमस्कार श्रीकांत जी सर, हाँ नमस्कार सर, नमस्कार श्रीकांत जी, अलका कुमारी शुभ रात्रि सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, वेलकम, गुड नाइट अलका जी। तो हम कल जो 8 बजे जो बात करेंगे बेस्ट बिजनेस बुक्स के बारे में। तो अभी मैं 5 बुक्स की हमने जिक्र किया है, मैंने कुछ बुक्स की और लिस्ट बनाई है, उनका मैं फटाफट आपको नाम और उनके राइटर के बारे में बता देता हूँ। तो पांचवी जो बुक थी उसको हमने, वो स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, छठी बुक है वो है यू सॉरी लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड ऑन इट, बाय कमल रविकांत जी।
छठी जो बुक है वो है लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड ऑन इट बाय कमल श्रीकांत, छठी बुक। सातवीं जो बुक है वो है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डेरेन हार्डी, बाय डेरेन हार्डी के द्वारा, जो डेरेन हार्डी जो राइटर है उनके द्वारा लिखी पुस्तक है द कंपाउंड इफेक्ट। ये बुक भी सेल्फ हेल्प कैटेगरी में आती है। आठवीं जो बुक है वो है 10% हैप्पियर, 10% हैप्पियर बाय डेन हैरिस, बाय डेन हैरिस। नौवीं जो बुक है वो है ए शॉर्ट गाइड टू ए हैप्पी लाइफ, ए शॉर्ट गाइड टू ए हैप्पी लाइफ बाय अन्ना क्वेंडलेन। मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ आपको समझ ना आए, लेकिन मैं उसकी लिस्ट आपको सभी इसमें जो अपना क्या बोले डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको उसमें डाल दूंगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो नाइन्थ जो बुक है वो है द शॉर्ट गाइड टू ए हैप्पी लाइफ बाय अन्ना क्वेंडलेन। 10th बुक सेल्फ हेल्प की सबसे बढ़िया 10th बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। ये तो आपके पास हिंदी ऑडियो बुक के रूप में है, अवेलेबल है, तो आप इसको सुन सकते हैं। सेल्फ हेल्प कैटेगरी की ये बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और आपने सुन भी ली होगी इसको, सुना भी होगा, नहीं तो आप सुनिए, बहुत अच्छी बुक है बाय जॉर्ज एस क्लासन। 11वीं जो बुक है वो है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, सुपर सुपर ह्यूमन बाय हैबिट बाय टाइनन, TYNAN, इसको टाइनन ही बोलेंगे, टेनन बोलेंगे जो भी। तो इन्होंने लिखी है। विशाल शुक्ला जी कह रहे हैं कि बहुत बार सुनी है जी, अच्छी बुक है वो। तो 11 नंबर जो बुक है वो है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट बाय टाइनन, ओ सॉरी टाइनन है, TYNAN। 12वीं बुक है व्हाट गॉट यू हेयर, नहीं व्हाट गॉट यू हेयर हु नॉट गेट यू देयर, व्हाट व्हाट गॉट यू हेयर हु नॉट गेट यू देयर बाय मार्शल गोल्ड स्मिथ। समझ आ गई होगी, बुक्स का नाम थोड़ा लंबा है, व्हाट गॉट यू हेयर हु नॉट गेट यू देयर बाय मार्शल गोल्ड स्मिथ। इन्होंने लिखी अच्छी बुक है, सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक है। और सेल्फ हेल्प कैटेगरी की 13वीं जो बुक है वो हु मूड माई चीज बाय स्पेंसर जॉनसन, मेरा चीज किसने चुराया, सभी की फेवरेट, सुनी हुई, अच्छी, और मुझे नहीं लगता किसी ने इस बुक का नाम मिस किया होगा, मतलब नहीं सुना होगा, हु मूड माई चीज। तो 13वीं जो बुक है सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बाय स्पेंसर जॉनसन। सर ज्वाइन करेंगे तो सारे बुक्स मिलेंगे जी। विशाल जी 13वीं बुक हु मूव्ड माई चीज बाय स्पेंसर जॉनसन। 14वीं जो बुक है, लंबा नाम है इसका थोड़ा, द आर्ट ऑफ लर्निंग एन इनर जर्नी टू ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, द आर्ट ऑफ लर्निंग एन इनर जर्नी टू ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बाय जोस वाइट वेट वेट किन, क्या है WAITZKIN, अब इसको कैसे बोलेंगे, वेट वेट किन वेट चिकिन जैसा भी, स्पेलिंग बता देता हूं मैं, WAITZKIN। जो पहले जोस है इनका नाम जोस वेट वेट चिकिन, जोस वेट किन, जो भी ठीक है, अच्छा नाम है। द आर्ट ऑफ लर्निंग बुक का नाम है द आर्ट ऑफ लर्निंग एन इनर जर्नी टू ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। 15वीं जो बुक है उसका भी नाम काफी लंबा ही है, ये द मिरेकल मॉर्निंग द नॉट सो ऑबियस सीक्रेट गारंटीड टू ट्रांसफर योर लाइफ बिफोर 8 AM बाय हाल एल रोड, बाय हेल एल रोड। द मिरेकल मॉर्निंग द नॉट सो ऑबियस सीक्रेट गारंटीड टू ट्रांसफर योर लाइफ बिफोर 8 AM
बिफोर 8 AM बाय हाल एल रोड, 15 नंबर बुक। 16 नंबर बुक है वो है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, सी बोगले। एक बार मैं दोबारा से इस नाम को रिपीट कर देता हूँ, 16 नंबर जो बुक है उसको, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, द ओनली वे टू गारंटी योर फेयर शेयर टू स्टॉक मार्केट रिटर्न बाय जॉन सी बोगले। तो ये 16 बुक्स मैंने शेयर अपनी सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक्स को ढूंढा था, और आपको अगर अच्छा लगा हो, और अच्छी बुक्स हैं और पूरी दुनिया में अच्छी फेमस है, और ओनली सेल अगर ऑडियो बुक आपको मिलती है, सॉरी ऑडियो बुक अगर आपको मिलती है तो उनको सुनिएगा। तो पहली 5 बुक्स है जिनका मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली बुक है वो मैनुअल फॉर लिविंग, दूसरी बुक है द प्रैक्टिसिंग माइंड, तीसरी बुक है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, चौथी बुक है द 10x रूल, और पांचवी बुक है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। तो इन 5 बुक्स को सेल्फ हेल्प कैटेगरी में आप पढ़िए, सुनिए, समझिए और अपने लाइफ पर इसको इंप्लीमेंट कीजिए, अपने कामों पर इन बुक्स को लागू कीजिए, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपनी हैबिट बनाने में, अपने गोल बनाने में। तो ये बुक्स डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देती हैं, और बुक्स पढ़ना अच्छी आदत है, बुक्स के बारे में सुनना, उनको ऑडियो बुक में सुनना, उनके वीडियो देखना, उनके ऊपर बनी हुई फिल्में देखना, उनको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और किसी भी बुक को ना आप हर बार जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमें कुछ ना कुछ वो नया देती रहती है। जैसे 2 बुक्स जिनका मैं बताता हूँ, मुझे मेरी बड़ी फेवरेट बुक है, एक तो लोक व्यवहार डेल कार्नेगी साहब की, और दूसरी जो है वो रिच डैड पुअर डैड। मैं बार बार जब भी उनको सुनता हूँ तभी मुझे कुछ ना कुछ उनमें से नया मिलता रहता है, मेरी जो एनर्जी जो लो हो जाती है उनको फिर से इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक तरह का एनर्जी ड्रिंक मान सकते हैं उनको, सुनता हूँ, अच्छी लगती है, बढ़िया है। उनमें से हर बार कुछ ना कुछ नया उनमें से मुझे करने को मिलती है और नई इंस्पिरेशन मिलती है। तो लोक व्यवहार तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे किसी से हम अनजान से कैसे बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ चीजें, ऐसा रूल के बारे में पंचाल किंग 0029 लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि 10x रूल पर ऑडियो बुक बनाए, जी बिल्कुल बनाएंगे। और बिगिनर मंच पर स्कीम क्या है, स्कीम क्या है, ओम प्रकाश बिगिनर मंच, शायद मैंने आपसे नाम सुना है तो मैं देखूंगा, है बिगिनर पर मंथ स्कीम क्या है, बिगिनर, ओह ठीक है, मैंने जो इसमें अपना समझ गया, मैं थोड़ा स्किप कर गया था उस चीज़ को, जो ज्वाइनिंग के लिए, हाँ इसमें अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो अभी तो इसमें कोई क्रेडिट डाला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें शुरू कर रहे हैं जो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, जो जो ऑडियो बुक्स बनाते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी यूट्यूब पर अपना चैनल बना के उसको प्रमोट करते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिसिंग रहनी चाहिए उसके बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक, उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो, जो मेरा जो जो ये प्राइवेट ज्वाइन करने के बाद जो रहता है ग्रुप, उनके लिए वीडियोज रहते हैं, तो अभी उनको बना रहे हैं, तो अब जल्दी उसके ऊपर जो प्राइवेट मेंबर है उनके लिए भी हम बनाएंगे। तो मैं पहले आपकी बात समझ नहीं पाया था, सॉरी। तो उसको जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एक प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं, तो कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उनके लिए स्पेशल एक सेशन रहता है, और उसमें एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आता है। तो ये एक यूट्यूब का फीचर है, तो उसको मैंने यूज़ करने और उसको चलाने, उसको आप तक कैसे अच्छे तरीके से पहुंच सके उसके लिए उसमें ज्वाइनिंग किया है, तो उम्मीद है आपने भी कर लिया होगा।
वो पेड है, उसमें ज़्यादा नहीं है, 49 रुपीज़ है, मैं भी उसमें 49 रुपीज़ से उसमें कोई भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें जो फ्री कंटेंट है उसमें नहीं आएगा, उधर स्पेसिफिक रहेगा, इधर इसमें कंटिन्यू है रहेगा। मिस्टर 007, मिस्टर बॉन्ड लिखते हैं कि हितोपदेश की कथाएं, जी हितोपदेश की कथाएं रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे चैनल हैं, उन पे आप देख सकते हैं। और मेरे से अच्छे क्रिएटर, मेरे से अच्छी आवाज में वो बनी हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं, हो जाएगा। यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे एक, यूट्यूब पे नहीं, किसी भी काम को लेके अगर जो आदमी कोई भी काम करता है और उसने कोई भी एक कैटेगरी चुनी हुई है, उससे अगर अगर वो आदमी कोई भी बार बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करेगा ना, तो उसकी एक इमेज नहीं बनती। अभी हिंदी ऑडियो बुक जो है, मैंने इसका एक कीवर्ड रखा हुआ है, एक सेगमेंट रखा हुआ है, हिंदी ऑडियो बुक। अच्छा, हिंदी ऑडियो बुक बहुत सारी है, धार्मिक पुस्तकें भी है और ये कहानियों के भी है, किसी के भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, जो बिजनेस बुक्स हैं, मोटिवेशनल खास करके, उन बुक्स पर ही ऑडियो बुक बनाने की मैंने अपने चैनल में इसमें कैटेगरी रखी है। तो उस बारे में मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। हाँ, लेकिन आपने लिखा, आपने अपनी इच्छा प्रकट की, मुझे अच्छा लगा। और मुझे भी ये बताने के लिए पता लगा कि मुझे ये बताना चाहिए कि चैनल की एक कैटेगरी है, और कोई भी चैनल है उसको कैटेगरी वाइज, कैटेगराइज भी उसको आगे मतलब रिकमेंड करते हैं। आप सभी का है ये, सबसे आगे मिलता है आपको इसी चैनल के वीडियो जो है वो आती है। तो ये ओनली कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ही चलता है, कीवर्ड के द्वारा ही किसी को ढूंढा जा सकता है, कोई कीवर्ड के द्वारा ही ऊपर जा सकता है, कोई कीवर्ड के द्वारा ही डिमोनेटाइज होता है, और कीवर्ड के द्वारा ही चैनल नीचे भी रहता है। तो एक सेगमेंट है, उसको छोड़कर हम नहीं जा सकते। मिलेनियर माइंड, सर आपका डिफरेंट सोर्स क्या है इनकम का? देखिए, सुबह भी इनकम के बारे में बात हुई थी। सोर्स एक तो यूट्यूब है, और मेरी जो बुक्स हैं उनको मैं सेल भी करता हूँ, जो ऑडियो बुक्स हैं उनको परचेज भी करते हैं जो दोस्त लोग हैं, आप हैं और हैं, तो उनको मैं सेल करता हूँ। और दूसरा, मैं एक जॉब करता हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, डीसी रेट पर, हरियाणा में उसको डीसी रेट बोलते हैं, तो 3-4 साल से मैं लगा हुआ हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें, तो एक वो भी ऑप्शन है, और भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी शायद उचित नहीं होगा उसके बारे में बात करने, उसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। जी, तो आज बुक्स के बारे में बात करी और सेल्फ हेल्प कैटेगरी के बारे में हमने बात करी, तो इसमें जो बुक्स आती है, और कुछ बुक्स मैंने भी आज पहली बारी उनको ढूंढा है, खोजा है, तो बहुत सारे दोस्तों ने भी शायद पहली बार सुना होगा, बहुतों ने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, इनके बारे में चर्चा भी की होगी, रिकमेंडेशन भी किया होगा, कहीं से इनकी समरी भी सुनी होगी। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जैसे जो जिन्होंने पहली बार सुना है, तो इनको हम आप पक्का लिख लीजिए। और इन सेल्फ हेल्प के बारे में अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इन्हीं बुक्स को पढ़िए, सबसे पहले इनको पढ़िए। हाँ, श्री देश पांडे जी, आपने देखो, श्री देश पांडे जी ने 400-500 बुक्स के नाम ये लिख के दिए हैं कमेंट में, तो इनको देख सकते हैं। अगला जो कल शाम को 8 बजे जो हम लाइव बात करेंगे, वो है बिजनेस की बुक्स जो है, बेस्ट बिजनेस बुक्स, उनके बारे में बात करेंगे। और इसी तरह लाइव मोबाइल पे ही, अभी मैं मोबाइल से लाइव कर रहा हूँ, तो वो ही मुझे अच्छा लगा, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी तो, लेकिन क्या करें, अभी मेरा मुझे मैं नहीं चला पाया उसको, उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन हमें तो जो
करना था, मेन पर्पस था बुक्स को आप तक पहुंचाना, वो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो माध्यम चाहे जो भी हो, मोबाइल है, ओबीएस है, लैपटॉप है, जो भी है अपने पास, जो भी चीज़ जो भी अवेलेबल है उस पे, उससे हमें काम लेना चाहिए, काम करना चाहिए, किसी चीज़ की वेट नहीं करनी चाहिए। मैं भी करता हूँ कई बार, बहुत बार करना पड़ता है, सोचते हैं यार क्या करें, पहले मैं लाइव नहीं करता था, अभी तीसरा मेरा लाइव सेशन है, तो मैं भी सोचता था कलर नहीं किया हुआ है, कोई सेटअप अच्छा नहीं है, क्या करें, मेरे पास कैमरा नहीं है, और क्या है क्या बताएं उसमें, कोई मतलब पसीना ना आए, कोई ऐसी कूलिंग मशीन भी नहीं है, लेकिन ठीक है, लाइटिंग भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं अवेलेबल, उनका बढ़िया से यूज़ कैसे करें, उनका यूज़ करके हम अपना काम आगे कैसे बढ़ाएं, और यही किताबों से सीखा है। ज़रूरी नहीं है कि DSLR भी हो उससे ही काम चलेगा, जरूरी नहीं है कि लाइटिंग जो है वो इतनी अच्छी बड़ी लाइटिंग हो। मैं आपको एक दिन एक टूर वीडियो बनाएंगे स्पेशल, मैं रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, और आप हैरान रह जाएंगे, आपको आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने कम बजट में इतना अच्छा कंटेंट हम बना सकते हैं। कोई चीज़ हर्डल, कोई ऐसा हर्डल नहीं है जिसके द्वारा हमें काम करने से वो रोक सके। कुछ बेसिक दो तीन चीजें होती है वो होनी चाहिए, काम हम कर सकते हैं। सर आप जैसे भी हो ग्रेट हो। हाँ ओम प्रकाश जी, थैंक यू, ग्रेट सभी हैं, आप भी ग्रेट हैं, और थैंक यू थैंक यू। तो मतलब कई बार ना कई वर्ड्स ऐसे हैं जो कीवर्ड की बात है, कीवर्ड ऐसे हैं जो अंदर इतनी मतलब फीलिंग फीलिंग भर देते हैं, जो बयान नहीं कर सकते। सर आपके घर में कौन कौन है? पर्थ कृष्णा मूर्ति जी लिख रहे हैं, घर में मैं हूं, आपकी भाभी जी हैं, दो बच्चे हैं, और साथ में ही हम सभी भाई भी रहते हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो तीन भाई हैं हम, मेरे दो भाई और हैं, मम्मी हैं और भाइयों के बच्चे हैं, तो हम सेपरेट रहते हैं लेकिन साथ में ही है घर, अपना पूरा गांव जो है वो एक फैमिली की तरह रहता है। बहुत अच्छा जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में हमारे गांव के जो लड़के हैं वो लगे हुए हैं। गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, हर गवर्नमेंट में, हर भर्ती में, मतलब हर जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें कोई ना कोई पाँच छः सात लगते ही है, तो जॉब में अच्छे हैं। और जॉब यानी सरकारी गवर्नमेंट जॉब अच्छी बड़ी जॉब्स में है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में भी ना काम करने में पीछे नहीं रहते, तो अच्छा काम करते हैं, और फिर एक लाइन भी बन जाती है किसी भी गांव की, किसी भी एरिया की, किसी भी फैमिली की, तो वैसे ही जॉब के मामले में है, और एक्स्ट्रा काम भी करते रहते हैं, कुछ कुछ नया करते रहते हैं, जैसे मैं भी आपसे सीख के कुछ नया कर रहा हूँ। तो कभी आपको गाँव का टूर करवाऊंगा, घर का टूर करवाएंगे, मेरे सेटअप का टूर करवाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं सभी, लेकिन मैं जितना भी रिसोर्सेज है, जितनी भी चीज़ें मेरे पास है, मैं उनको कैसे यूटिलाइज करता हूँ। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मैं जिस माइक से ना अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सिंपल ईयरफोन है और अच्छी बात हो रही है। हाँ आवाज़ के लिए कुछ मैंने कई दिन मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ी, तो पहले मेरी पतली आवाज़ थी, अभी थोड़ा ठीक है तो अच्छी है। दूसरा, जब मैं आपको सुबह भी बताया ना कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए कंबल डाल के और उनको इको ख़त्म उससे हो जाती है, तो उसमें मैं एक मेरा 150 रुपए का माइक है,
कहाँ यहीं पड़ा है, आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ये शायद क्या नाम है इसका, ये मुझे किसी दुकान से मिला था, निकोला NHP 591ME, ओनली 150 रुपये का ये। और सबसे ज्यादा मैंने सभी बुक्स जो है इसी से रिकॉर्ड करी है। अभी मैंने आईफोन लिया था पीछे दिवाली पे, Apple 6S, तो उससे रिकॉर्डिंग करता हूँ, उससे तो और भी बढ़िया होती है, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं है कि 15,000 का माइक लें, 50,000 का माइक लें, इतना बड़ा सेटअप लगाएं। अगर सारे सेटअप की बात करें तो 10 लाख में बैठता है, लेकिन नहीं जरूरी है। और उसके बिना हम काम नहीं करेंगे, मेरे पास ये माइक नहीं होगा, मेरे पास ये कैमरा नहीं होगा, तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, तो मैं अभी कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। और जो हमने बुक की जो बात करी, अरे इसको क्या हो गया, जो ये बुक्स हैं ये भी यही बताती हैं कि किसी पुरानी जो थिंकिंग है, पुराना जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको देख के लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, उनको देख के हमें वो नहीं करना चाहिए, काम को रोकना नहीं चाहिए, काम को क्या बोले उसको करना ही चाहिए। काम को रोकेंगे अच्छी बात नहीं है। सर लव यू फ्रॉम रोहतक। हाँ अजय ढाका जी, वेलकम रोहतक हरियाणा से। सर लव यू फ्रॉम रोहतक। जी जी अजय जी, अजय ढाका साहब वेलकम। हरलाल गौतम जी, गुड ग्रीटिंग सर, गुड इवनिंग लिख रहे हैं शायद वो। अजय ढाका जी, सर लव यू फ्रॉम रोहतक। हाँ बिल्कुल अजय जी, मैं आपके नज़दीक का ही हूँ, सिरसा का ही। और रोहतक तो कभी CM सिटी थी, अभी भी आपकी तरफ ही है, तो मैं भी यहीं सिरसा के पास में गांव है, वहां का रहने वाला हूँ, वेलकम। तो मुझे लगता है 1 घंटा और 4 मिनट के समथिंग हो गया है, तो अभी चलना चाहिए और गुड नाइट बोलें, तो कल कीप गोइंग जी, कीप गोइंग। ऐश्वर्या कामले जी लिख रहे हैं, ऐश्वर्या कामले जी लिख रहे हैं कीप गोइंग ऑन। सर स्टूडेंट के लिए बुक, हाँ स्टूडेंट के लिए ये जो लिस्ट है ना मैंने जो बनाई है, इसमें आगे मैं 3-4 दिनों में आपको सभी उसको मैं बताऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हेल्थ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी अभी कैटेगरी जो मैंने जो सर्च कर ली है। सेल्फ हेल्प बुक्स हमने बात कर ली है, उसके बाद में कल बात करेंगे बिजनेस बुक के बारे में, उसके आगे बात करेंगे बेस्ट डिसीजन मेकिंग बुक्स के बारे में, फिर बेस्ट एंटरप्रेनरशिप बुक्स के बारे में, उसके बाद में फाइनेंस बुक के बारे में, फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक कौन सी बुक्स हैं, लीडरशिप के लिए कौन सी बुक्स हैं उनके बारे में, मैनेजमेंट बुक्स कौन सी है उनके बारे में, फिर मार्केटिंग बुक्स कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी बुक्स कौन सी है, प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, फिर बेस्ट सेल्स बुक के बारे में, सेल्स के लिए जो सेल्स पर्सन है उनके उनको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए सेल्स की जो स्किल डेवलप करने के लिए, फिर स्ट्रेटेजी बुक्स है, स्ट्रेटेजी बुक्स के बारे में, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं उनके बारे में, जो द आर्ट ऑफ वार है ना वो स्ट्रेटेजिक बुक है, मैं भी इसको पहले मोटिवेशनल बुक और इसमें सेल्फ हेल्प बुक में मानता था, लेकिन नहीं। अच्छा उसके बाद बेस्ट सक्सेस बुक्स है उनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे साइकोलॉजी बुक, साइकोलॉजी को उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए कौन सी बुक्स होती है उनके बारे में, फिर फिटनेस के बारे में, फिटनेस पे कौन सी बुक, बायोग्राफी और मेमोरीज है उनके कौन सी बुक्स हैं, जो बायोग्राफी कौन कौन सी है उनके, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम बात करेंगे और कैटेगराइज करेंगे बुक्स को, कौन सी बुक कब हमें पढ़नी चाहिए, किसके लिए पढ़नी चाहिए। कल आज सुबह ही एक मित्र का मैसेज था और हमने जिक्र भी किया था, उन्होंने लिखा था कि मुझे बुक्स पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। नींद हमें तभी आती है जब हमें क्लियर नहीं होता कि हम, कारण और भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने बहुत सारा काम किया हो, आप नींद में हो, तो उस वजह भी आ सकती है, लेकिन एक वजह यह भी होती है कि हमें पता नहीं होता कि वो किताब जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, वो मुझे मेरे लाइफ में मेरे कौन से काम पे, कौन से
कौन सी स्किल पे और स्पेसिफिक किस काम के लिए? राम मोहन राव जी, वेलकम टू बिगिनर, ने ज्वाइन किया है, थैंक यू, वेलकम, और पहले भी ज्वाइन किया था उन्होंने जी, वेलकम। तो बिना जाने जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो हम चाहे 1,000 बुक्स पढ़ लें, वो हम बार बार उसको स्किप कर देंगे, वो जो नॉलेज है हमारी वो हमारे पास नहीं रहेगी, तो वो हम भूल जाएंगे। लेकिन जब हम पर्पस बेस्ड बुक पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको सुनेंगे, तो वो हमें याद रहेगी, हम उन स्किल को डेवलप करने में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब हम पर्पस वाइज बुक पढ़ते हैं ना, तो हम उनके नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, कौन सी बात, जैसे संतोष नायर जी का आज सुबह जिक्र आया, तो संतोष नायर जी का एक मैंने लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि किताब जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं ना, तो वो एक एक्यूमुलेट नॉलेज होती है राइटर की, वो इकट्ठी की हुई एक्यूमुलेट नॉलेज होती है, जिसको उन्होंने अपने जीवन का सार देके वो बुक बनाई होती है, बहुत सालों का उसके पीछे की रिसर्च, उनका काम, उसका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, उनकी विजडम उसमें होती है। तो उनके पूरे जीवन भर की जो विजडम है, उसको जब हम पढ़ते हैं, तो क्या हम उतने ही 4 चैप्टर, 10 चैप्टर, 20 चैप्टर में उस बुक को उतना विजडम, उतना ज्ञान हम समझ पाएंगे क्या? तो संतोष नायर जी कहते हैं कि एक एक चैप्टर पे, एक एक चैप्टर, एक एक जो उसका सब चैप्टर है, जो उसके एक एक पैराग्राफ है, उनके 10 10 20 20 पेज लिखने पड़ते हैं, तब जाके वो बात समझ में आती है। और उन्होंने बुक्स पढ़ने का एक, चलो बात थोड़ा सा मैं 5 मिनट लूंगा आपके, तो बुक पढ़ने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका वो बताते हैं कि हमने एक बुक सिलेक्ट करी, जैसे जैसे हम, मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मैं मार्केटिंग काम करता हूँ, या किसी कंपनी का, कोई भी किसी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं डोर टू डोर, या कहें तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस जाता हूँ, या शॉप टू शॉप, या शोरूम टू शोरूम, जहाँ भी जैसे भी सेल्स में काम करता हूँ, अगर ऐसा काम हम करते हैं और इसके लिए हमें सेल्स की बुक पढ़नी है, हमारी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, पीएचडी जो इन्होंने लिखा है कि मैं वॉक करते करते आपकी बुक सुनता हूँ, तो पता ही नहीं लगता 1 घंटा कैसे निकल जाता है, आप कुछ नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, अपनी नॉलेज में आप औरों से ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं हर रोज। तो बुक में उस कहा है कि हम जब, जैसे मैं सेल्स की बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो सेल्स में अगर मुझे मेरी स्किल डेवलप करनी है, सेल की जो बुक है वो मुझे, जैसे अभी मुझे ना ही ध्यान आ रहा, कोई भी बुक लीजिए, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, तो उसमें अगर मुझे एक चैप्टर में समझ में आया, उसमें बताया गया कि हम जब प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं तो क्या बात करनी है, तो मुझे वो चैप्टर पढ़ के, आज मैंने पढ़ा पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझा, 1 मिनट, मैं देखो पसीना तो बार बार पोंछना ही पड़ेगा, तो उस चैप्टर को मैं आज पढ़ के, आज उसको समझ के, और मैं कल उसमें जो जो टेक्निक्स जो लिखी हुई है उनको लेके मैं मार्केट में कल गया, और मैं प्रोस्पेक्टस को उसके हिसाब से मिलना मैंने शुरू किया, फिर जब मैं शाम को आता हूँ, तो मैंने जो लिखा है, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनको मैं देखूंगा कि मैंने आज जो प्रोस्पेक्टस जिनके पास मैं गया, उसमें मेरा रिजल्ट जो है, मुझे कितने हाँ हुए, कितने ना हुए, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, अगर उसमें कमी है तो मैं कल फिर जाऊंगा उन्हीं को, मैं दोबारा से फिर पढ़ूंगा, उनको देखूंगा, उनको मैं एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या स्टेप अपनाने चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, ताकि मैं कोल्ड कॉलिंग जिसको बोलते हैं, एकदम से फ्रेश आदमी के पास मैं जाके उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करूं। तो उसके लिए हमें उस चैप्टर में जो बताया गया है कि मुझे कैसे बात करनी है, उसको जब तक मैं अच्छे तरीके से 10/10 रिजल्ट नहीं ले लेता,
तब तक मुझे उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, उसमें और लिखना चाहिए और उस स्किल को मुझे पक्का कर लेना चाहिए। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टस से मिलने का जो कार्यक्रम जो है, जो प्रोग्राम है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है, मेरे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होता है, तो मेरी वो स्किल पक्की हो जाती है और फिर जीवन भर कभी उस चैप्टर को भूल नहीं पाऊंगा। तो ये तरीका होता है बुक पढ़ने का। नींद नहीं आएगी, आलस नहीं होगा, रात हो गई है तो सो पढ़ेंगे, लेट हो गए हैं तो पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको अगले दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तो है बुक पढ़ने का फायदा। अदरवाइज हम जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, बिना पर्पस के बुक पढ़ेंगे तो उसको एक एक क्या बोलते हैं उसको, अपना एक मतलब दिमाग का कीड़ा शांत करना बोलते हैं, ऐसा सीधा सा बोल सकते हैं, तो वही होगा नॉलेज गेन हम। आपका थैंक्स, और हम बात करेंगे शाम को 8 बजे बेस्ट बिजनेस बुक्स के बारे में। थैंक यू, गुड नाइट। तो अभी मैं लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ, बाय।